ये कौन सी जगह है बाबू? क्या वो दरिंदा हमें यही मिलेगा? हम उस बेनाम शैतान तक नहीं पहुंच सकते हाथ, हमें उसे अपने पास बुलाना ही होगा। मैं समझा नहीं बाबू। ये बादशाह शौरान का मुल्क तौरान है, तुम्हें यहाँ का बादशाह बनना होगा। अच्छा, लेकिन क्यों? मैं बहुत तो नहीं जानता हाजिर, लेकिन इतना पता चला है कि जो दरिंदा हुक्मरानों को अपना निशाना बनाए हुए है, वो अब तक हजारों बादशाहों को उठा कर ले जा चुका है। सिर्फ बादशाह शौरान की सल्तनत तौरान उसके कहर से बची हुई तुम्हारा यहाँ का बादशाह बनना ही उसके यहाँ आने की वजह बन सकती है। सुनने में ये किसी किस्से जैसा लगता है, लेकिन आपने जरूर कुछ सोचा होगा। लेकिन बाबा, दो बातें नहीं समझ आई। पहली ये कि कोई बादशाह मुझे अपने मुल्क का हुक्मरान क्यों बनाए, और दूसरी कि वो दरिंदा आखिर ऐसा कर क्यों रहा, इसके पीछे उसका मकसद क्या है? वो शौरान के बादशाह तौरान है, उन्होंने और उनके भाई ने हमेशा काली ताकतों के खिलाफ जंग में बिना अपनी जान की परवाह किए अच्छाई का साथ दिया है। जंग में बादशाह शौरान ने अपने भाई को खो दिया, लेकिन बुराई के आगे घुटने नहीं टेके। मुझे पूरा यकीन है वो हमारा साथ जरूर दें। कासिम, हातिम का दर्द समझो तू। उसने हमें अकेला छोड़ा है, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। परिजात, हम किसी को जानते हैं, वो हमारी मदद कर सकता है। वो हमें यहीं सुमेर के पास मिलेगा। पर खड़े क्यों हो? चलो जल्दी। है ऊपर वाले, हमें हमारे दोस्त से मिलवा दे। शाह तौरान, ये हातिम यमन के शहजादे। हातिम बादशाह नुमान का बहादुर और होनहार बेटा। हातिम, हमने तुम्हारे वालिद के बारे में सुना, जानकर बहुत अफसोस हुआ। बोलो हातिम, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे आपका तख्त आपके मुल्क की हुकूमत चाहिए। आप लोग सब्र से काम लें और गौर से मेरी बात सुनें। उस हैवान से बचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वो सिर्फ शाही हुक्मरानों को उठाकर ले जा रहा है, और इसके पीछे उसका एक ही मकसद है कि उनकी रूहानी ताकतों पर कब्जा करना। हातिम के वालिद के पास नेकी की ताकत है और आपके पास दरिया दिली की। वो इन सारी ताकतों को आपके जिस्मों से निकालकर खुद ताकतवर बनना चाहता है। अभी तक आपका मुल्क तौरान उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन वो बहुत जल्द यहां भी पहुंच जाएगा। उस सूरत में क्या आप उस दरिंदे का मुकाबला कर अपने बादशाह को बचा पाएंगे? बाबा शर्जील, हम में उस दरिंदे का सामना करने की काबिलियत नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे।
तो फिर हातिम की ताजपोशी की तैयारियां कीजिए। हमें हर हाल में उस दरिंदे का ध्यान तौरान की तरफ खींचना ही होगा। सरोवर कौन है तू और इस तरह हमें बंदी बनाने के पीछे तेरा मकसद क्या है? अलकास, अलकास नाम है मेरा और इस नाम की गूंज चारों ओर गूंजेगी। मैं अंधेरी दुनिया से तुम्हारी दुनिया पर हुकूमत करने आया हूँ। मैं एक एक करके मैं तुम सबकी अच्छाइयों को चूज कर अपने जिस्म में डालकर इस दुनिया का सबसे खतरनाक दरिंदा बन जाऊंगा और फिर हर जगह अलकास का राज होगा। अलकास ना, ये कभी नहीं हो सकता। हजार बादशाह तो हो चुके, बस एक और को कैद करना बाकी है, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी बदकार। कौन रोकेगा मुझे? हातिम, हातिम। मेरा बेटा हातिम। जिस दिन उसे तेरे नापाक इरादों का पता चल गया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हातिम, अगर वो यहाँ आ भी गया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेवकूफ बादशाह। बाबा, दौरान के लोगों को महफूज जगह पर भेज दिया गया है ना? मैं और किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। सारा इंतजाम हो चुका है, बस अब उस दरिंदे का इंतजार है। हर बार वही गलती, बार बार वही गलती। इंसान भी कितने नामकूल होते हैं, है ना मेरे आका? आका, जिन ताकतों के बल पर ये उछलता है अब वो ताकतें ही इसके जिस्म से जुदा हो जाएंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। जंगल में खूंखार शेर के सामने एक नाजुक खरगोश के जैसी हालत होगी इसकी। सोच लगा अलकास के सामने कि एक खरगोश जैसा हातिम अपनी मौत के सामने घुटने टेकेगा। और हातिम को तो अपनी मौत का नाम तक नहीं मालूम। अब आप सब लोग भी किसी महफूज जगह पर चले जाइए। वो शैतान किसी भी वक्त यहां आ सकता है। नहीं हातिम, हमारे लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल सकते हो, क्योंकि हम सब यहां रुककर तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। उस शैतान से मुकाबला करना आसान नहीं होगा शाहिद और आका। मुझ पे भरोसा कीजिए। और वैसे भी बाबा शर्जील मेरे साथ है। आप मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। ठीक है हातिम, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे ये चंद सिपाही तुम्हारे साथ रहेंगे।
क्योंकि हमें अपने दोस्तों की हिफाजत करना आता है। दोस्त, उन्हें तो मैं खुद पीछे छोड़ा, पता नहीं फरीजाद और कासिम कैसे हैं, कहां हैं। क्या कर रहे हो कासिम? सब कुछ वैसा चलता रहा जैसा हम सोच रहे हैं, तो फिर देखना हमें हातिम के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा। इस जगह कैसे पता चलेगा? कितनी बदबू है यार। अपनी शाही नाक को बंद करो शहजादी और चुपचाप चलती रहो, हमें मालूम है कि हमारे सवालों के जवाब यहीं कहीं मिलेंगे। कासिम, कोतवाल की अम्मा, सवाल बाद में करना, अभी भागो। ये पकड़ो से, ये पकड़ो। बादशाह, वो शैतान हमारे महल के दरवाजे तक पहुंच गया।
दूर रहने की कोशिश करो, उसे अपने पास मत आने दो। अच्छा तो तू है हातिम, बड़ा भरोसा है तुझ पे तेरे अब्बू का। आज तेरा सर ले जाकर रख दूंगा उसके कदमों पर और बनाऊंगा जश्न उसके भरोसे का। ना तो मैं तेरे इरादे पूरे होने दूंगा और ना ही अपने अब्बू का भरोसा टूटने दूंगा। अपनी जाने बचाओ, भागो यहां से, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा।
भी ना चोर के साथ रह रहकर मुझे भी चोरों की तरह भागना, चोरों की तरह छुपना और पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। देखा हम यहाँ कितने मशहूर हैं, हर किसी को हमसे मिलना है, लेकिन हमारे पास किसी से मिलने का वक्त ही नहीं है। हमें जिससे मिलना है वो हमें यहीं कहीं मिलेगा। कासिम कैसी अजीब जगह है। कलंदर के दरवाजे पे दस्तक, जरूर कोई पुराना मक्कार होगा। अरे कासिम तुम यहाँ? कैसे हो उस्ताद कलंदर? आप ही का चेला हूँ, ना आपको भूल पाया और ना आपके खुफिया दरवाजे को। अरे वाह मेरे चोरों के चोर, मेरा अव्वल शागिर्द। अरे वाह क्या उस्ताद का नाम रोशन कर रहे हो। खुश रहो खुश रहो। नाम रोशन चोरी से? क्यों नहीं, हम चोर मेहनत नहीं करते क्या? मेहनत? हाँ मेहनत। उस्ताद ने कहा है एक असली चोर की पहचान वही होती है जब पूरे मुल्क की फौज उसके पीछे पड़ी हो। जितनी ज्यादा तलाश उतनी ज्यादा शोहरत। क्यों उस्ताद? अरे कासिम ये चोरनी तो बड़ी कच्ची खिलाड़ी लगती है, इसे इतना नहीं पता। चोरनी? मैं कोई चोरनी नहीं हूँ। फरीजाद आप कैसी बात कर रहे हो, कभी तो होश में आ करो। वो चोरनी नहीं शहजादी है। शहजादी? शहजादी? हाँ शहजादी शहजादी। आइए आइए बैठिए। अरे कासिम चोर के घर शहजादी? अरे चोरी की कसम ऐसा भी क्या पहाड़ टूट पड़ा? उस्ताद पहाड़ टूटा नहीं बस गुम हो गया। कोई निदा के बोलते पहाड़ की जानकारी के लिए हम यहाँ हैं। आप तो कलंदर हो, खबरों का समंदर हो, जरा कोई निदा का पता तो बताओ। कोहे निदा? अरे कोहे निदा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? हमें मालूम है ना याद कैसे आएगा। कैसे? जब तक इनके पेट में ईंधन नहीं जाएगा इन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। कैसा ईंधन? कौन सा ईंधन? मैं हातिम को ढूंढने आई, तुम्हारे उस्ताद के ईंधन का इंतजाम करने नहीं। पर इजाद हम बात कर रहे हैं ना। मैंने उन्हें किसी घर की तरफ आते देखा है। कासिम 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 डरो मत डरो मत। अगर वो सारी रात दरवाजे को दीवार नहीं दीवार को दरवाजा समझ के भी ठोकते रहेंगे ना तो अंदर नहीं आ सकते। हाँ वैसे
तुम्हें बाहर जाने का मैं एक खुफिया रास्ता बताता हूँ। आओ 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 मेरे साथ आओ, आओ। चलो दरिंदा कहाँ है बाबा? ये हम कहाँ आ गए? ये एक महफूज जगह है हातिम, तुम्हें वहां से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। अलकास तुम्हारी ताकतें छीनता जा रहा था। अलकास? हाँ, उसका नाम अलकास है और वो एक ऐसी दुनिया से है जिसका नाम भी लेने से लोग डरते हैं। अंधेरी दुनिया से। अंधेरी दुनिया मतलब? अलकास इस दुनिया का दरिंदा नहीं है, उस जैसा शैतान 5,000 साल में एक बार पैदा होता है। अलकास इंसानों की नस्लों की नस्लें खत्म कर चुका है। इंसानियत के इस दुश्मन को मैं खत्म करूंगा और फिर चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। नहीं हादिर, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे अब्बू और बाकी दूसरे बादशाहों की जाने महफूज है, क्योंकि अलकास को अब सिर्फ एक ही बादशाह चाहिए जो कि तुम हो। इसलिए जब तक तुम उसके हाथ नहीं लग जाते वो दूसरों को कुछ नहीं करेगा। लेकिन बाबा हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, किसी भी तरह से इस अलकास को खत्म करना होगा। जैसे कि अलकास इस दुनिया का नहीं है, वैसे ही उसे काबू में करने का हथियार भी इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में नहीं तो फिर कहां है? सफेद दुनिया में, जो हजारों साल पहले कायम हुई थी। तुम्हें वहां जाकर उस तलवार को हासिल करना है जिससे हजारों साल पहले अलकास को शिकस्त हुई थी। मैं लाऊंगा वो तलवार और इस दुनिया को अलकास के कहर से बचाऊंगा। आप बस मुझे सफेद दुनिया तक पहुंचने का रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन वो सिर्फ तुम्हें सही वक्त आने पर ही दिखाई देगा। मैं तैयार हूं बाबा। मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी तुम्हें सफेद दुनिया में न भेजता। हादिम, वहां तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने पिछले जन्म से होगा, अरसलान से होगा। खुदा तुम्हें सब कुछ जानने और बर्दाश्त करने की कुव्वत बख्शे। आओ आओ। हिम्मत है तो रास्ता है। ये रहा वो तो हरा रास्ता जो तुम्हें शहर की दूसरी तरफ ले जाएगा। अब घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं। दाद देनी पड़ेगी उस्ताद, वक्त के साथ आप पुराने चावल जैसे बनते जा रहे हो। तुम भी तो मेरी तालीम भूले नहीं। याद है मैंने क्या कहा था?
मैंने तुम्हें सिखाया था कि चोरी में हाथ सफाई से ज्यादा जरूरी होता है, भाग जाना, भागो भागो। उस्ताद। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन अब हम भागते भागते थक गए। अब हमें घर, परिवार और दोस्तों की अहमियत का पता चल गया। हमारा एक अजीज दोस्त हमसे बिछड़ गया, बस उसी की तलाश में हमें कोई नहीं जाना। सर आपको तो पता ही होगा। बस 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 कासिम, बस तुमने तो मेरे सोए हुए जज्बात जगा दिए हैं। देखो ना, मेरी आंखों में आंसू भर आए हैं। अगर इस वक्त मुझे मेरी दवा नहीं मिली ना, तो मैं जज्बातों के समुंदर में डूब जाऊंगा। नहीं उस्ताद, हम आपको डूबने नहीं देंगे। अभी तो आपको कोई नहीं देगा पता बताना, बस आप यहीं टिके रहिए। हम यूं गए और यूं आए। हाँ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। वहां तुम्हें अरसलान का मकबरा ढूंढना होगा। तुम्हें वहां कुछ नहीं करना होगा, वो मकबरा खुद ब खुद खुल जाएगा। सलान के ताबूत में जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ये क्या था? आओ या चलिए आओ या आओ या चलिए चलिए आओ चलिए 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 आओ।
अरसलान, मेरे बेटे, मेरे बेटे तो आ गए। तुम तो हातिम हो। आप मुझे कैसे जानते? कौन है आप? और ये अरसलान कौन है? उसका चेहरा मुझसे क्यों मिलता है? वक्त की इस दीवार की दोनों तरफ तुम ही हो। एक तरफ हातिम तो दूसरी तरफ अरसलान। मतलब तुम अपनी पिछली जिंदगी में अरसलान थे हातिम। अरसलान मेरे बेटे। आप मेरी अम्मी हैं? हाँ। ये हजारों साल पुरानी बात है। हमारी सफेद दुनिया खुशहाली और अमन की एक मिसाल थी। हम सब एक खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। तुम, मैं, तुम्हारे अब्बू और जब्बार, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम दोनों भाई बेहद ताकतवर और बहादुर थे। हर बात हर चीज में बराबरी। दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ अरसलान। रुकिए भाईजान, रुकिए, रुकिए। फर्क सिर्फ इतना था कि जब बार अपनी ताकत का इस्तेमाल तबाही के लिए करता था और तुम अरसलान अमन के लिए। वक्त के साथ फरिश्तों ने अरसलान की नेकी और ताकतों को पहचाना और उसे दुनिया का मसीहा चुना। बरसों से सफेद दुनिया के तख्त पर आंख गड़ाए बैठा जब्बार अपनी ये हार बर्दाश्त न कर सका। वो अंधेरी दुनिया से खतरनाक काली ताकतें हासिल करके दुनिया को तबाह करने निकल पड़ा। बदले की उस आग से ना हमारी सफेद दुनिया बची और ना दो भाइयों की मोहब्बत। जरगाम, ये तो जरगाम था। जरगाम ही जब्बार है। वो तुम्हारा भाई था पिछले जन्म में। भाई, तुम दोनों के सितारे वक्त की गर्दिश में उलझे हुए हैं। जब तक पिछले जन्म में हुए फरेब के खेल को सही अंजाम नहीं मिल जाता, तब तक इस जन्म में तुम दोनों की राहें टकराती रहेगी। इसे कुदरत का कानून भी समझ सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। हाथी, तुम सच्चाई के रहनुमा हो, वो पाक रोशनी हो, तो जरगाम जैसे हर शैतानी अंधेरे को खत्म करेगी। तुम्हारा यूं यहां आना इसी का इशारा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी उस तलवार तक ले जाती हूं जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ। देखो, ये तुम्हारी बहादुरी के हजारों साल पुराने वो किस्से हैं जो हमेशा के लिए
इस किताब के पन्नों में इतिहास के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। ये तो अलकास है। इतिहास खुद को दोहराता है। जब जब बुराई जन्म लेती है, उसका खात्मा करने अच्छाई भी जन्म लेती है। तुम्हें एक बार फिर अलकास को उस अंधेरी दुनिया में पहुंचाना होगा। हाल में इन सिपाहियों को देखो, ये उस दुनिया के अमर योद्धा हैं। अरसलान ने उस अंधेरी दुनिया के सबसे खूंखार शैतान अलकास को इन्हें वापस सौंप दिया था। तब से ये अरसलान के एहसानमंद है। अलकास को उसकी जगह तक पहुंचाने में ये तुम्हारी मदद करेंगे। ये अंधेरी दुनिया क्या है? कहां है ये? जिसका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। उस अंधेरी दुनिया का नाम है कोहिनूर। और अब तुम्हारा पांचवा सवाल। बोलता पहाड़ कोहिनूर की खबर लाओ। कोहिनूर? यही तो वो जगह है जहां मुझे जाना है। क्या तुझे यहाँ का पता बता सकती है? तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में ये तुम्हारी मदद करेगी। नहीं आएगा तब तक उसका दर्द तू झेलेगा। अलकास! यही वो तलवार है लग, जिससे हाथ में मेरे सितारे जुड़े। तलवार खत्म और वो कड़ी ही खत्म। तोड़ दे उस तलवार को। जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा तब तक उसका दर्द तू झेलेगा। अलकास! यही वो तलवार है लग, जिससे हाथ में मेरे सितारे जुड़े। तलवार खत्म और वो कड़ी ही खत्म। तोड़ दे उस तलवार को।